देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विश्व की उर्वरक क्षेत्र की सबसे बड़ी सहकारी संस्था यानी कि इफको, जिसका सफरनामा अब 50 साल का हो गया है, 1967 में स्थापित इफको ने ऐसे समय में देश की खाद्यान्न व्यवस्था को मजबूत किया जब देश बड़े खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। 57 सहकारी समितियों के साथ अपने सफर की शुरुआत करने वाला इफको अब 36,000 सहकारी समिति वाली संस्था बन गई है। किसानों की जरूरत और मिट्टी की आवाज को समझते हुए इफको आज पूरा कर चुका है अपने 50 साल, जिसका जश्न इफको ने अपने मात्र संयंत्र कलोल में एक भव्य जश्न के साथ पूरा किया। यानी कि इफको का सफरनामा जहां से शुरू हुआ था, 50 साल बाद उसकी कामयाबी उसी दहलीज पर आकर दस्तक दे गई। ये इफको का मदर प्लांट है, सबसे पहले ये प्लांट बना था और तकरीबन 450 आदमी अभी इसमें डायरेक्टली इम्प्लॉयड है। और आप जो देख रहे हो ये यूरिया प्लांट है, इसकी कैपेसिटी 1650 टन पर डे है और एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हम अभी 100% नीम लेपित यूरिया बना रहे हैं। तो नीम कोटेड यूरिया बनाने से इसकी कालाबाजारी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है, उसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है और हम भी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव 100% नीम लेपित यूरिया बना रहे हैं। और वो जो खाद होती है उसमें पेस्टिसाइड्स का भी काम करती है, तो किसानों को पेस्टिसाइड का भी पैसा बचता है उसकी वजह से, ऐसे वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है खाद की, वो नीम कोटिंग करने से वो बढ़ जाती है। इस मौके पर इफको का पूरा परिवार मौजूद रहा, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी के चेहरों की खुशी इस कामयाब सफरनामे की गवाही दे रहे थे। इफको ने बदलते जमाने के साथ हमेशा कदम ताल किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है डिजिटल इंडिया, नीम कोटेड यूरिया, ग्रामीण हेल्थ स्टार्टअप, समय अपना निशान जरूर छोड़ जाता है। इसी तरह इफको के 50 साल के सफरनामे की निशानी कलोल प्लांट में 50 फीट के स्वर्ण जयंती स्तंभ के रूप में स्थापित हुई। ये हमारा स्वर्ण जयंती स्तंभ है, आज हमने इफको के 50 वर्ष पूरे किए, ये उसकी यादगार में बनाया गया है। ये बिल्कुल वातावरण के अनुकूल है, कोई भी गैस इसमें अंतर नहीं डाल सकती है और ये हमारे 50 फुट का है और इसमें 5 पेंटागन हैं जो 5 दशक को इंडिकेट करते हैं। ये 3 मुख्य भाषाओं में हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, और बाकी जितनी हमारी भारत की 8 और भाषाएं हैं उन सबको भी इसमें अंगीकृत किया गया है। तो पूरे भारत के जो हमारे किसान हैं, जो 36,000 सोसाइटियाँ हैं और जो हमारे 4 करोड़ से ऊपर किसान हमसे जुड़े हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनकी प्योरिटी पे, कि हमारी प्योरिटी और ऊपर इसमें इफको का हमारा लोगो है। और ये जो हमने 50 वर्ष में जिस पारदर्शिता के साथ अपने किसानों के साथ, वातावरण के साथ, अपनी भूमि को ख्याल में रखते हुए जो हमने किया है उसको दर्शाता है। पिछले 1 साल से ही इफको अपने 50 साल पूरा होने के जश्न की तैयारियों में जुट चुका था, तैयारियां जिसमें इन्हें किसानों का भरपूर साथ मिला। इफको के 50 साल पूरे हो गए हैं, जो डॉक्टर यूएस अवस्थी ने इतनी मेहनत की है और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बड़ा ध्यान से और सभी से मुलाकात की है। डॉक्टर यूएस अवस्थी 4 लाख किसानों से मिल चुके हैं और उनको सारी उनसे बात की है कि क्या समस्या स्टेट, कौन कौन सी स्टेट की कैसे समस्या होती है, कौन सी कौन नहीं होती, किसानों के पीछे होते हैं। इफको ने अपना 50वां साल किसानों से मिलते हुए बिताया। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी ने देश भर में 125 जगह कार्यक्रम किए और तकरीबन 4 लाख किसानों से खुद जाकर मिले। इफको का स्वर्ण जयंती वर्ष किसानों और सहकारिता के लिए समर्पित है। इसको हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने 3 नवंबर 2016 को इसी अपने मदर यूनिट कलोल से प्रारंभ किया था और आज इसका समापन मदर यूनिट कलोल से ही कर रहे हैं। इस बीच में 125 जगह पर वो गए हैं, सभी किसानों से मिले हैं, सभी सहकारी बंधुओं से मिले हैं और मिलने का उद्देश्य रहा है उनका आशीर्वाद लेना, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना और आगे 50 साल तक उनका इसी तरीके से आशीर्वाद बना रहे,
इसके लिए उनसे प्रार्थना करना था। इफको लंबे समय से सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बढ़ावा देने के लिए इफको ने सहकारिता रत्न अवार्ड और सहकारिता बंधु अवार्ड भी प्रदान किया है। आज जो अवार्ड मिला है ये सहकार रत्न इफको हर साल किसी कोऑपरेटिव वर्कर को अवार्ड देता है। मुझे जो अवार्ड मिला है उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमने कोई अवार्ड के लिए काम नहीं किया था, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया है। इफको के 50 साल के कामयाबी के सफरनामे का हिस्सा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने, जिन्होंने अपने संदेश में इफको को देश के विकास का हमसफर बताया। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई, जैसे डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस और स्टैंड अप कॉमेडी, जिसने जश्न की खुमारी को भी दुगना कर दिया। जैसे नाग पंचमी आई, मैंने उसकी खोपड़ी में सांप फेंक के मारा, मैंने बुरा ना मानो नाग पंचमी है। इफको सिर्फ एक संस्था ही नहीं बल्कि एक परिवार है, जिसका हिस्सा इफको में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं और देश का हर एक किसान भी। जो भी इसका हिस्सा बना वो कभी इससे अलग नहीं हो पाया। आशा करते हैं कि इफको का ये गौरवान्वित सफर आगे भी ऐसे ही चलता रहे और किसानों के हित के लिए काम करता रहे।